माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ मनाली में। ये देखिए पीछे पहाड़ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, दी स्नो क्लैड माउंटेंस। और अभी यहाँ का टेम्परेचर इज़ अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस, बट ऐसा फील ऐसा हो रहा है कि -2 है। सुबह के टाइम पे पता है -6 तक चला गया था, इतनी कड़क ठंड लग रही थी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप आफ्टर द लॉकडाउन। एक साल बाद मैं ये ट्रिप ले रही हूँ एंड ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इन दिस ट्रिप। सो दिस इज़ जस्ट पार्ट वन ऑफ दिस ट्रिप। 3 to 4 वीडियोज़ आएंगे ये सीरीज़ के, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मनाली, चंडीगढ़, कसोल और जो भी हम चीज़ें करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर अपकमिंग पार्ट्स एज वेल। आज हमारा पहला दिन है ट्रिप का और हम हैं मनाली में। येस्टरडे वी लैंडेड एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट एंड देन वी केम टू मनाली। इट टुक अस 10 आवर्स ऑफ रोड ट्रिप। इट वॉज एग्जॉस्टिंग बट इट वॉज ब्यूटिफुल टू। सो अभी हम निकल रहे हैं, वी आर फर्स्ट गोइंग टू हैव ब्रेकफस्ट। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम ओल्ड मनाली जाएंगे एंड देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू मॉल रोड। लेट्स गो। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बाय हैविंग सम गुड ब्रेकफास्ट। हमें जाना था डायलेंस टोस्टेड एंड रोस्टेड कैफे। इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस इन मनाली, बट वो प्लेस शट है। और ऑल्सो ये जो टाइम में हम आए हैं, थोड़ा इलेक्शंस का कुछ तो चालू है जिस वजह से थोड़ी प्लेसेस बंद है, बट उसके बाजू में ये कैफे थी, कैफे एवरग्रीन। वी जस्ट थॉट ऑफ हैविंग अ ब्रेकफास्ट हियर एंड इट वॉज सच अ गुड डिसीजन बिकॉज लेट मी शो यू द व्यू। So let's have eggs. देखते हैं कौन सा एग खाना है। I think I'm gonna have mushroom omelet. That's what I'm gonna have. So my breakfast is here. हम सब ने omelet ही मंगाया है। I have ordered a mushroom omelet. Let me show you. So this is a mushroom omelet जिसमें मुझे mushroom काफ़ी कम दिख रहा है, but it looks a very simple preparation. मशरूम एकदम क्रश है, एकदम सिंपल, कुछ लाल मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ब्रेकफास्ट कैसा लगा मम्मी? अच्छा था ना, एकदम सिंपल। प्रमोद देखो कैसा लगा ब्रेकफास्ट? बहुत मस्त है। अभी नवीन हॉट चॉकलेट पी के बताएगा कैसा है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। तो और एक मंगाई थी, इतना अच्छा है। तो ये लोग ने लिटरली हमको फॉलो किया है ये ब्रिज तक। भाई साथ में चलोगे हमारे? नहीं। हमें फर्स्ट कैफे हो चुका है, अभी हम लोग सेकंड कैफे की तरफ जा रहे हैं। या तो फिर हम लोग टेंपल चलें? तो अभी हम लोग हडिंबा टेंपल जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे मोमोज मिलते हैं। हम भी जा रहे हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हो अभी वो है हडिंबा टेंपल। बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है मनाली में एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटा सा ऐसा ट्रैक टाइप करना पड़ता है जिससे आपको 5 to 10 minutes लग सकते हैं। स्टेयर्स प्लस स्लोप होता है। ये जो टेंपल है, दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1553 एंड इट्स सराउंडेड बाई दीज ब्यूटिफुल टॉल पाइन ट्रीज। सो दीज आर ह्यूज ट्रीज। बीच में है ये 4-storied हडिंबा टेंपल जिसको बोलते हैं डंगरी टेंपल भी शायद। इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। आपकी हर जो भी विश है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। सो गाइज, ड्यू टू कोविड इन्होंने एंट्री बंद रखी है, तो जिनको भी दर्शन करना है उनको बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। हडिंबा से नीचे आते ही हमें एक कैफे दिखा, ग्रीन फॉरेस्ट कैफे, और यहाँ पे मिलते हैं मोमोज, मैगी, नूडल्स, पराठे, बहुत कुछ। सो वी थॉट लेट्स गो एंड हैव सम मोमोज। ये यहाँ पे चटनी देके गए हैं ये लोग और ये देखिए इनका मेन्यू, मोमोज, थुप्पा, चाउमीन, बहुत कुछ है यहाँ पे। और इसके बाद हम चाय भी पियेंगे बट सबसे पहले हम मोमोज खाते हैं। बाय द वे इट्स अ प्योर वेज आउटलेट। ये आ गई हमारी चाउमीन, बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये, एकदम गर्मा गर्म चाउमीन। ये देखिए क्या धुएं निकल रहे हैं भाई, एकदम
देसी। सो ये रहे हमारे मोमोज, काफी बड़े हैं भाई, एकदम गर्मा गर्म बनाए हैं और इतनी ठंड में ये मोमोज खाने का मजा ही अलग आएगा। और अंकल ने बताया कैसे कि डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। हाँ, हमने पूछा कि चीज वाले कौन से हैं, वेज वाले कौन से हैं, तो बोला जो सबसे ज्यादा गोरे हैं वो चीज वाले हैं। कौन सा चीज, कौन सा है भाई मेरे? वेज कौन सा, चीज कौन सा? अभी ये वाले, ये गोरे लग रहे हैं, ये गोरे लग रहे हैं, ये गोरे लग रहे हैं, ये खा के देखते हैं। चलो भाई, काफी मॉइस्ट है ये। ये चीज वाले अंडा डाला हुआ है, कैप्सिकम और अनियन चटनी, इतनी स्पाइसी है ये चटनी, नेक्स्ट लेवल स्पाइसी है। मेरे को ना चीज वाले बेटर लगे, इसमें ढेर सारा अनियन ये सब है, बट फिर भी बहुत मस्त है, एकदम ऐसा मॉइस्ट। अभी हम जा रहे हैं क्लब हाउस, पहले हमने सोचा था हम ये टाइम पे लंच करेंगे, बट अभी हमने थोड़े थोड़े मोमोज खा लिए, तो लंच आई थिंक एक घंटे बाद ही करेंगे। लेट्स गो टू द क्लब हाउस, वहाँ पे हम देखते क्या करते हैं, बट अभी ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। गाइज अभी हम जा रहे हैं रिवर क्रॉसिंग करने, नवीज भी चल रहा है, 100 rupees पर पर्सन। ये पूजा यहाँ पे डरते हुए, क्या हुआ? बहुत कॉन्फिडेंट थी पहले तो। ये लॉक पकड़ो, दोनों हाथ से लॉक पकड़ो आप ही। उसको देखो, हाँ, दोनों हाथ से, ये सिर पीछे। जाने वाले हैं, बट मम्मी का पेट भरा हुआ है, तो मम्मी थोड़ा टाइम रूम में चिल मारेंगी 1-2 घंटा, फिर हमें मिलेंगी जब हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। आप नहीं जाओ ना यार, थोड़ा रेस्ट ना, एक्चुअली कल बहुत भागा दौड़ी हो गई थी ना, तो मम्मी को थोड़ा सा आराम करना है। पर ये व्यू क्या सही लग रहा है यार, बहुत मस्त। दो चीजें, दिस इज डीप फ्राइड चिकन ब्रेस्ट, हियर इज सम चिकन स्टीक बर्गर, लेट्स कट दिस, इट्स क्रिस्पी, वेरी इजी टू कट, इट्स डीप फ्राइड सो वेल, देयर इज लॉट्स ऑफ बटर कमिंग आउट, वेट लेट्स सी दिस, इट्स एक्चुअली स्टफ्ड विथ herbs and so much butter. Look at this guys, look at the stuffing, so much butter and garlic, wow. Amazing flavors, love this one. So I can see some cheese, this is a chicken patty, some tomato, jalapenos. Aap dekhenge pura patty bahar aa raha hai, legit, and it's deep fried. That mayo inside this is so fresh. Bun mein bahut zyada flavor hai. It's very flavorful, all the layers are very flavorful. Just look at all this stuffing guys, beautiful and delicious. यहाँ का फूड तो एक्चुअली बहुत डिलिशियस था, मुझे बर्गर से ज़्यादा चिकन कीव अच्छा लगा था, सो इफ यू आर कमिंग ओवर डू ट्राई दैट इज वेल, एंड वी विल से बाय टू दिस ब्यूटीफुल कैफे। ओह, एंड अगर अब तक ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, यू नो व्हाट टू डू, राइट, लाइक द वीडियो, लीव अ कॉमेंट, एक सेकेंड लगेगा, गो लाइक दिस वीडियो। अभी मैं आ गई हूँ द मॉल में, इट्स लाइक अ रोड जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो, एंड यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा और बहुत सारा क्राउड भी मिलेगा, बट फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड चॉपस्टिक रेस्टोरेंट, इट्स राइट ओवर देयर, लेट्स गो एंड हैव समथिंग।
So this place Chopsticks is apparently very popular in Manali. It's known for its Tibetan and Chinese food. यहाँ पे हमने order किया some spring roll, noodles and some thukpa. Noodles were very good, इनकी चटनी बहुत तीखी थी. Spring roll was very flaky, crispy, loved it. It was my first time trying thukpa and I loved it. It's a little bland but still it has subtle flavors. The noodles were not very nicely flavored. All the flavors were coming from vegetables, but the soup was really nice and flavorful. ये जो मॉल रोड है यहाँ पे आपको और भी बहुत तरीके का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. बट हमने ये पनीर ब्रेड पकोड़ा भी ट्राई किया था जो हमें बहुत अच्छा लगा था. थोड़ा ज्यादा ऑयली था बट बहुत अच्छा लगा था. उसके बाद हम लोग कॉफी पीने चले गए अमीगोज जर्मन बेकरी में. शुड आई से इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैफेज इन मनाली फॉर कॉफी. सच डिलिशियस कॉफी और यहाँ के डिजर्ट्स भी बहुत डिलिशियस थे. वी ट्राइड सम चोको वॉलनट केक विच वॉज सो वॉर्म, सो डिलिशियस. I also tried a peanut cookie which was decent but the choco walnut cake was amazing. The cheesecake was delicious too aur ye place ka overall vibe bahut acha tha. That was Cafe Amigos and German Bakery. Love the desserts, love the coffee. अभी हम हमारे होटल में जाने वाले हैं. वहीं पे डिनर करेंगे, वहीं पे बॉनफायर एंजॉय करेंगे. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सोलांग वैली और कैफेज एंड मोर ऑफ मनाली. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु विल फाइंड दिस हेल्पफुल. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय. बाय द वे टेंपरेचर देख लो कितना है भाई. -2 माइनस. लग नहीं रहा यार मेरे को. पक्का है? देख मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने कुछ. तूने लेयर किया है अपने आप को? मैंने लेयर बहुत अच्छे से. हाँ तो वही बात है ना, मैंने लेयर नहीं किया, मुझे ठंड लग रही है.